ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस थ्री अपॉन टू रूट फाइव एंड अल्फा इंटू बीटा है वन अपॉन टू, ठीक है, कर सकते हैं। देन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू रूट फाइव एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है वन अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या एलसीएम आएगा, टू रूट फाइव। देखो यहाँ पे टू रूट फाइव है और यहाँ पर टू है, तो टू टू तो कॉमन है भाई, समझ रहे हो ना, आप अगर मल्टीप्लाई भी कर दोगे लास्ट में जाके कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टू टू तो कॉमन है, रूट फाइव एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल ओवरऑल यही एलसीएम आ जाएगा। हाँ बोलो, टू रूट फाइव, यहाँ पर वन है तो ये हो गया कितना, टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कौन बोला प्लस, प्लस थ्री एक्स, और ये टू से इसको डिवाइड करोगे इस पूरे नंबर को तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट फाइव, और रूट फाइव का मल्टीप्लाई वन से तो प्लस का रूट फाइव, ठीक है। तो इस ये हाँ बोलो, रैशनल कर तो दिया और क्या करना है, अब ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है, वन अपॉन टू रूट फाइव कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस रूट फाइव, और ये हो जाएगा के, तो के इज इक्वल टू के ब्रैकेट में टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस रूट फाइव। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। कह रहा है इसके अगर रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है, कह रहा है कि देन इवेल्युएट, फाइंड करना है हमें क्या, देखो भाई नंबर वन पे क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस ए बीटा प्लस बी, ये निकालना है, यही दिया बस, बस। तो समझ में नहीं आया, समझ में क्या नहीं आया, वो जनरल फॉर्म दे दी उसने, सिंपल उसने जनरल फॉर्म दे दी, अगर इसमें कोई वैल्यू डाल देते तो आप कर लेते भाई, समझ रहे हो, उसने जनरल फॉर्म ही उठा के दे दी, तो कॉमन ऑफ लेके जाना है एंड तक जा सकता है, एंड तक जहां से आ सकता है, बिल्कुल सही। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कि क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, यही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बस। अब यहां पर क्या करो, पुट करने से पहले इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो यहां पर आएगा ए अल्फा प्लस बी, कंफ्यूजन होगा थोड़ा, ध्यान से कर रहे हैं इसको,
और ये होगा ए बीटा प्लस पी, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर इससे कैंसिल, ये बचा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो बीटा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर, और बीटा का इससे मल्टीप्लाई हो क्या होगा, क्या होगा, बी बीटा प्लस ये पूरा नंबर इससे कैंसिल। अब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस बी अल्फा, ठीक है भाई। नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर ना इसको और इसको साथ में ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, चेक कर लो। बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो इनसे बी कॉमन ले लेते हैं और उसके बगल वाले से क्या आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और इससे बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे किया है तो देखना ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी इंटू अल्फा, आ रहा समझ में, ए इंटू बी इंटू अल्फा, ए बी अल्फा। अब इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई तो ए इंटू बी इंटू बीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको निकाल लो, बाकी सब तो रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का बी, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन, ये हो गया ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और इन दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है, चेक करो, ए बी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो अंदर ब्रैकेट में हो गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी रख सकते हो, इसकी भी, इसकी भी, इसकी रखने से पहले इसकी निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को ये नहीं याद है तो आप ना जो बताया था मैंने कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा की जगह रखेंगे सी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, टू सी अपॉन ए होगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा भाई, क्लियर है, आ रहा समझ में। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, मतलब एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहां से पूरा ए बचेगा, एक मिनट रुक जाओ, माइनस का ये आ जाएगा टू ए सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब रखना स्टार्ट करते हैं हम, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने, यहां पर हो गया ए ब्रैकेट में ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, और ये है कितना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा कितना, माइनस बी अपॉन ए, तो इन टू माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए, प्लस ए इंटू बी अल्फा प्लस बीटा, तो ए इंटू बी और अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये पूरा एक ए है, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये एक ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए ए से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए, यही बचेगा, चेक कर लो, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए,
ठीक है बेटा, क्लियर। अपॉन नीचे देखो, ये ए कैंसिल हुआ था इससे, तो ए सी बचेगा, ये आ गया ए सी। और यहां पे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे अंदर, तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब क्या हुआ हमारा, हाँ तो अब हमारा ये कैंसिल हुआ इससे, तो हमारा यहां पर एलसीएम लिया सबसे पहले मैंने ए, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और सर यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है, अपॉन एसी ले लेते हैं। अपॉन हमारा यहाँ कितना बचा, ए सी, हम यहीं पे काट देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का टू ए सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई ए सी, ये ए से कैंसिल, सी से सी कैंसिल, देन आंसर माइनस टू अपॉन ए। हाँ, अब सीधा ए सी और ए सी काटा, हाँ हाँ वो भी बात सही है। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू एक्स माइनस थ्री बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भाई, माइनस का ट्वेल्व, कितना आया, माइनस का ट्वेल्व। ठीक है, क्लियर है, माइनस का ट्वेल्व आ गया। अब यहां पर इसके फैक्टर किए हमने ट्वेल्व के, तो ट्वेल्व के हमने फैक्टर किए, तो टू ये आ गया सिक्स, ये आ गया टू, और ये थ्री, और ये वन। ठीक है, तो यानी कि इसके फैक्टर हो गए टू इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, रूट टू, यहाँ पर रूट टू यूज हो रहा है, इसका मतलब इसके जो दो मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे उनमें एक तो रूट, मतलब कि दोनों रूट टू तो होंगे ही होंगे यार, ये तो समझ में आ रहा है ना, इसमें डाउट है किसी को, क्यों मेरा। ठीक है ना, रूट टू तो होंगे होंगे, बिकॉज इसको तो आप कर ही नहीं सकते अलग यार। ठीक है, अब जब ये रूट टू होंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा, टू आया, तो यानी कि यहां से एक टू कम हो गया, फैक्टर में यूज कर लिया मैंने, इसका मतलब तो यही हुआ फैक्टर में मैंने यूज कर लिया, रूट टू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे रूट टू लगा हुआ है। ठीक है, और रूट टू मल्टीप्लाई करोगे तो टू हो गया, और ये टू यहां से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसी फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने इसमें। ठीक है, अब क्या बचा, टू और थ्री बचा, और यहां पर माइनस है, तो यहां पे थ्री लगा दोगे और यहां पे टू लगाओगे तो बात तो नहीं बनेगी, बनेगी क्या, नहीं बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसको प्लस रखोगे और इसको प्लस रखोगे तो फाइव तो हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमारा नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, थ्री इंटू टू का मल्टीप्लाई करो सिक्स, ये हो गया सिक्स, और इसमें वन भी छुपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो यहां पर वन का यूज हो गया। ठीक है, वो भी ये हो जाएगा क्या, माइनस में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्या, हाँ डिपेंड करता है यार, अगर इस जगह रूट है ना तो यहाँ पे रूट में ब्रेक नहीं होगा। सर इसके ना जितने क्वेश्चन है ना ये रूट वाले, इसकी एक कॉमन ट्रिक यही होती है, मतलब मैंने तो ये पैटर्न देखा है ये सब की, कि अगर 5 रूट 2 है, अगर 7 रूट 2 होता तो 8 रूट 2 माइनस रूट 2 करके, समझ गए हम, समझ गए, लेकिन अगर यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर फिर वो कैसे हो, पर वैसा ठीक है, देखिए यहाँ से कॉमन लिया इसको, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, अब 2x कॉमन ले लो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे रूट भी कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है रूट है, तो आप ना 2 रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2, हाँ रूट 2, 2 रूट 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो और x कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4 का डिवीजन मैंने आपको बताया था भाई, कॉमन लेने का मतलब है क्या, 4 डिवाइडेड बाई जो भी नंबर कॉमन लेते हैं उसका अंदर क्या चलता है, डिवीजन चलता है, तो 4 अपॉन 2 रूट 2 यहां पर आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर है, क्लियर है ना, और ये कितना बचा, 2 अपॉन रूट 2, इसको रैशनलाइज करोगे अगर आप तो ये आ गया 2 रूट 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, रूट 2 बचा, समझे, ठीक है ना, तो यहां पर कितना बचा, रूट 2 बचा।
ठीक है। अब यहां से इससे कॉमन लेंगे, यहां पर क्या रूट टू एक्स, रूट टू एक्स ठीक है। अब यहां पर इससे कॉमन लेंगे तो सिक्स रूट टू, कॉमन क्या ले रहे हो भाई, कॉमन ले रहे हो आप टू रूट टू ठीक है। तो ये थ्री टाइम्स और ये रूट टू कैंसिल, तो कितना बचा, थ्री बचा, वो भी प्लस का थ्री, एक्स तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, उसको मैंने दिखाया नहीं है ठीक है। यहां पर माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब एक ब्रैकेट में आ गया रूट टू एक्स प्लस थ्री और एक ब्रैकेट में आ गया टू रूट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देन ये हो गया रूट टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और टू रूट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री अपॉन रूट टू और एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट टू ठीक है भाई। तो मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, हो गया भाई। अब हमें क्या करना है भाई, वेरीफाई करना है ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू एक्स माइनस थ्री ठीक है। देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा फोर, बी इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव रूट टू एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का थ्री। तो अल्फा प्लस बीटा होगा मेरा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस फाइव रूट टू अपॉन फोर ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू अल्फा, अब यहाँ पे देखो ये आप अल्फा मान सकते हो भाई क्योंकि दोनों रूट निकाल लिए हैं, और ये आप क्या मान सकते हो, बीटा मान सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, अल्फा की जगह पुट किया क्या माइनस का थ्री रूट टू, माइनस का थ्री अपॉन रूट टू, और बीटा की जगह पुट किया वन अपॉन टू रूट टू ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, कौन बताएगा, एलसीएम क्या आएगा टू रूट टू ठीक है, रूट टू। अब देखिए टू रूट टू एलसीएम आएगा, ये नंबर इससे डिवीजन में जाएगा, रूट टू कैंसिल बचा टू, और टू का मल्टीप्लाइज माइनस थ्री से होगा तो माइनस का सिक्स, ये पूरा का पूरा से डिवीजन में चला जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस फाइव अपॉन टू रूट टू। अब ये इससे मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम, रूट टू से मल्टीप्लाई, छोड़ देंगे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना होता है और इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं हम, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैशनलाइज कर लेंगे हम, और इन रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हाँ ठीक है, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस का फाइव रूट टू अपॉन, ये हो जाएगा रूट टू कितना हो जाएगा टू होगा, और टू का मल्टीप्लाई टू से करोगे फोर हो जाएगा। तो देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है, क्लियर है, समझ आ रहा है ना ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा हमारा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि माइनस थ्री अपॉन फोर ठीक है। तो एल एच एस पिक कर लिया मैंने, एल एच एस हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू पता है माइनस थ्री अपॉन रूट टू, और बीटा की वैल्यू पता है वन अपॉन टू रूट टू। तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस थ्री ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू टू, और इसका मल्टीप्लाई टू से तो फोर हो गया भाई प्रूफ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। कह रहे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम ब्रैकेट एम प्लस थ्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ लोगे तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो, अभी हमने उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक से ही उसी से करेंगे, पॉलिनोमियल से ही करेंगे ठीक है। तो कौन है वो महान, थोड़ा बहुत क्या समझ में आया, मल्टीप्लाई कर दिया, अरे वाह समझ में तो आ गया तुम्हें यार थोड़ा बहुत। देखो भाई है हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम ब्रैकेट में एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है। ये नंबर है मेरा, ये नंबर है ठीक है। फुसफुसाओ नहीं भाई, कौन फुसफुसा रहा है, हैं
ये नंबर है वो जिसके हम फैक्टर करते थे, ठीक है, यही तो करते थे, ये नंबर है वो जिसके हम फैक्टर करते थे, ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, यानी कि ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके आया होगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर को अलग करूं तो एक नंबर होगा m और एक नंबर होगा m प्लस 3, ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर मिडिल टर्म किसका करना है आपको, इसका करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये जो C वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसमें M आ रहा है, इसमें M आ रहा है, और इसके मिडिल टर्म में भी क्या आ रहा है, M आ रहा है, मतलब फैक्टर में भी M आ रहा है, लेकिन यहां मिडिल टर्म में M है क्या, नहीं है, M नहीं है, समझ में आ रही बात, यहां पे M नहीं है, यहां पर M आ रहा है, इसका मतलब यहां का जो M होगा वो कैंसिल हो गया होगा। कैसे कैंसिल हुआ होगा, यही दो फैक्टर आपको दे रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसको माइनस में लिया क्योंकि ये नंबर कैसा है, बड़ा है अकॉर्डिंग टू दिस, इसको मैंने नेगेटिव फैक्टर ले लिया और इसको मैंने पॉजिटिव फैक्टर ले लिया। अब एक बार जरा दोनों को ऐड करो, m माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3, माइनस खोल दिया, m माइनस m माइनस 3 कैंसिल हो गया, माइनस 3 बचा, और देखो यहाँ क्या बच रहा है, अभी किसके नहीं आया, हाँ जी हाँ, तो यहां पर x लगेगा और यहां पर x लगेगा, क्योंकि यहां पे कोई भी नंबर के फैक्टर करते हैं x के फॉर्म में करते हैं, नहीं आया किसको, नहीं आया अभी, तुम पैर चला रहे हो, तुम्हें कहां से आएगा, आओ इधर खड़े हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना, दिक्कत ही है। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एम प्लस 3 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अच्छा हाँ है फॉर्म में, हाँ ठीक है, तो इन दोनों को अलग कर सकते हैं, हाँ कर दिया अलग, हाँ ठीक है। अब इन दोनों को जब अलग किया तो अब मुझे इसी के मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, इसके ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं कि यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आए, यही होता है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, यहां पर जो भी स्प्लिट होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यह आए, ठीक है, और इसी से हम फैक्टर ले रहे हैं, तो इसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक फैक्टर ये लिया और एक फैक्टर ये लिया, नहीं नहीं मैं वो आ गया, ये नहीं आया, प्लस एम और माइनस एम, दोनों यहां पे साइन क्या है, माइनस, तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ होगा उसमें से कौन बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा या फिर माइनस वाला नंबर छोटा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, क्यों, माइनस वाला छोटा होता तो फिर एडिशन करके यहाँ पे प्लस आता, अच्छा वैसे ओ हाँ, तो फिर प्लस वाला छोटा होगा, इन दोनों में से नंबर छोटा कौन सा है, अभी अगर माइनस साइन हटा दो तो कौन छोटा है, ये ठीक है ना, यानी कि ये वाला नंबर छोटा है, यानी कि प्लस वाला छोटा नंबर है, और ये वाला कैसा हो जाएगा फिर, नेगेटिव होगा, होगा। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके देखा तो कितना बच रहा है, माइनस 3, यानी कि यही चीज बच रही है, तो यानी कि अब इसको मैं लिख सकता हूं, बैठ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट करके लिख दिया मैंने, क्या एक तो वो लिख दिया m प्लस 3, क्योंकि एक फैक्टर मेरा ये था, ठीक है, और एक फैक्टर ये था, प्लस m x, आया समझ में, माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां बचा x माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, और यहां से मैंने m कॉमन ले लिया, यहां बचा ब्रैकेट में x माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस m प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया कित क्या x प्लस m इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू पूरा नंबर होता जाएगा तो हो जाएगा m प्लस 3, और यहां पर आ गया x प्लस m इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस m, ये दोनों जीरोस हो गए। आप इस नंबर को अगर उठा के इसमें डालोगे आंसर 0 आएगा, इस नंबर को उठा के इसमें डालोगे आंसर 0 आएगा। कह रहा है क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आर बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, देख लो भाई इधर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इन दोनों के जो रूट्स, मतलब क्या है? कहना क्या चाहते? देखो इसके कुछ एक जीरो मैंने इसका माना कि अल्फा है और एक इसका जीरो है क्या बीटा। ठीक है अभी ये माना मैंने। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके जो दोनों जीरोज हैं, मैंने खुद माने कि भाई ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, अब इसके जो दोनों जीरोज हैं जो भी निकलेंगे वो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, मतलब कि या तो माइनस फाइव हो सकता है अल्फा बराबर या बीटा बराबर माइनस फोर हो सकता है, नेगेटिव है दोनों। ठीक है, या फिर हो सकता है माइनस सेवन माइनस नाइन, कुछ भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव होगा। अभी आया मतलब समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा भी कैसा होगा? नेगेटिव, और बीटा भी कैसा होगा? नेगेटिव। हाँ, अगर ये इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दोनों जीरो नेगेटिव है और मेरे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है विद साइन, तो फिर मैं ये क्यों बताऊं कि पी क्यू आर प्लस माइनस ये वो क्या है? मतलब ये तो गिवन नहीं है। मतलब समझा नहीं है। अब जब मुझे ये भी पता ही है कि प्लस लगा हुआ है आगे और मैंने भी बता दिया दोनों नेगेटिव है, फिर वापस पूछ रहे हैं कि साइन बताओ। पी क्यू आर कांस्टेंट हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं, ये भी तो कुछ भी हो सकते हैं। पी नेगेटिव में हो सकता है, देखो इसके जीरोज नेगेटिव हैं दोनों, ये तो क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर के साइन बताओ। अब इस इक्वेशन में आपको देख के लग रहा है सर पी प्लस है, क्यू प्लस है, आर प्लस है, लेकिन भाई पी क्यू आर तीनों के तीनों क्या है? कांस्टेंट है। पी क्यू आर हमारे कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है क्या? कांस्टेंट नेगेटिव भी तो हो सकता है, यानी कि पी की वैल्यू हो सकता है को माइनस फाइव हो, क्यू की वैल्यू हो सकता हो को सिक्स हो, आर की वैल्यू हो सकता हो को माइनस एट हो। अब मैं कह सकता हूं कि पी नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है। इसमें कैसे पुट करेंगे? हमें ये पता ही नहीं है, तभी तो इस रिजल्ट से निकालना है हमें। अगर हमें ये पता होता तो सीधे बता देते हम। जब हमें ये भी नहीं पता है, हमें इनकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है और इनकी भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है, हमें केवल साइन दे दिया उसने कि भैया इनकी जो भी वैल्यू होगी वो दोनों नेगेटिव हैं। अब आप बताओ कि ये 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 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताना है मुझे, वैल्यू नहीं बतानी उसकी। कुछ भी हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये नहीं बोला कि ये ट्रू है। ऐसे पुट करोगे ना, पी की वैल्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू है सिक्स एक्स प्लस आर की वैल्यू माइनस एट। अब ये क्या होगा? माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? प्लस का सिक्स एक्स, और ये क्या होगा? माइनस एट। अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन? हाँ, क्या कुछ तो अभी आया समझ में? क्यों इशिता, क्वेश्चन आया समझ में क्या बोल रहा है? ठीक है, अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू हमें बताना है, उनका साइन बताना है। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कैसे हैं भाई? निगेटिव हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू अपॉन पी, इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही होगा। ठीक है, कि इन दोनों का जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना होगा? माइनस क्यू अपॉन पी। लेकिन अल्फा प्लस बीटा अगर आप चेक करो भाई, ये भी एक नेगेटिव नंबर है, ये भी एक नेगेटिव वैल्यू और ये भी एक नेगेटिव वैल्यू, और दोनों के बीच में एडिशन कर रहे हो, दोनों के बीच में क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो। तो ओवरऑल जो अल्फा प्लस बीटा है, जो ओवरऑल जो आंसर आएगा यहां पर अल्फा प्लस बीटा का, वो कैसा नंबर होगा? नेगेटिव नंबर होगा। यहां पे समझ में आई बात? ठीक है,
इज इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस क्यू अपॉन पी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन पी है, माइनस का यहां पर लिख देता हूं, माइनस का क्यू अपॉन यही लिख दो भाई, माइनस क्यू अपॉन जो पी है ये एक्चुअल में नेगेटिव है पूरा ये, क्योंकि किस नंबर के बराबर, नेगेटिव नंबर के बराबर है, यानी कि ये पूरी वैल्यू, ये पूरी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैं कह सकता हूं किससे छोटी होगी, जीरो से छोटी होगी। अब देखो यहां से भी कर सकते हो कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, किसका मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये q अपॉन p इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बताया था उस दिन, यानी कि q अपॉन p कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब q अपॉन p पॉजिटिव होंगे, यहां से भी दो केस निकल रहे हैं, पहला केस ध्यान से देखना, इस केवल इस चीज को देखो भाई, आपको नंबर चाहिए किससे बड़ा, जीरो से बड़ा नंबर चाहिए बस, और कुछ मतलब नहीं करता आपके लिए। Q को भी किससे बड़ा होना पड़ेगा और P को भी किससे बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि Q को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझ लो Q को भी आपको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे, P को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा नंबर जीरो से बड़ा आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो गया तो क्या जीरो से बड़ा होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो क्या जीरो से बड़ा होगा, नहीं होगा यार, अगर कोई भी एक नेगेटिव हो गया। दूसरा केस क्या बन सकता है, यहीं पे दूसरा केस देख लो, हो सकता हो दोनों नेगेटिव हो भाई, ये भी नेगेटिव है, अगर ये भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, तब भी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। या फिर आप ये चेक कर लो भाई, माइनस एक नंबर है इंटू माइनस एक नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हो आंसर कितना आता है, प्लस आता है। या फिर माइनस का एक नंबर और माइनस के एक नंबर को डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, प्लस आएगा। वही चीज तो यहां पर हो रही है कि ये प्लस कैसे आ गया, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। आया समझ में, किसी को डाउट है इशिता, ठीक है समझ में आई बात तो अब ये हमारे यहां पर हो गया, ठीक है। अब हमें किसका साइन निकालना है, अब हमें आर का निकालना है। अब हमारे पास दो केस हो गए हैं, पहला केस क्या हो गया, पहला केस ये हो गया कि क्यू पॉजिटिव हुआ है और पी भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और दूसरा केस है हमारा क्यू नेगेटिव है और पी भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक मिनट रुक जाओ, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। अब आर, आर का साइन निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर दो भाई, अल्फा इंटू बीटा आप करोगे तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना आएगा, आर अपॉन पी आएगा, कितना आएगा, आर अपॉन पी आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब अल्फा बीटा कैसे थे, नेगेटिव थे। अब यहां पर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव। यानी कि आर अपॉन पी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाई सुनो यहां पे समझना, अल्फा इंटू बीटा दोनों कैसे नंबर है, नेगेटिव, नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर है यहां पर, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि R अपॉन P किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। अब R अपॉन P जीरो से कब बड़ा हो सकता है, आपने P क्या लिया है, पॉजिटिव, तो R क्या नेगेटिव होगा, क्या ना। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहले केस के लिए हो जाएगा क्या कि P हमारा पॉजिटिव आ रहा है ऑलरेडी, तो R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब दूसरा केस, P नेगेटिव है, अगर P कैसा है, नेगेटिव है, तो R को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। P हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो R भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि हमारे पास ये आंसर मिल गया हमें, क्या कि पहला आंसर मिल गया कि P, Q, R तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर P, Q, R तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सर कोई क्लास क्वेश्चन में बताओ, ये तो मतलब सेकंड केस कितना हो गया, 50।